गाइस, बिल्ली छोड़ने के लिए मैंने डिग्गी में रखा था, बिल्ली को छोड़ने जा रहा था। वो गाड़ी में है ही नहीं, और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से वो निकल सके। अल्लाह जाने क्या चीज़ थी, वो गायब हो गई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी में ऑयल डलवाने और गाड़ी को वॉश करवाने, और थोड़ा सा और गाड़ी का काम है, तो वो करवाने के बाद फिर मैं जाऊँगा नानी के घर, क्योंकि आज नानी को डिस्चार्ज कर दिया गया। नानी अपने घर जा रही हैं, खुशी की बात है। तो फिर चलते हैं। गाड़ी तो बहुत गंदी हो रही है, तकिया भी अंदर ही पड़ा हुआ है, अभी तक बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रही है। क्या हुआ तुम्हें? सो गाइस, गाड़ी का सारा सामान जो है वो मैं उठा उठा के रख रहा हूँ, और ये है कि अच्छा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। क्या क्या रखा है गाड़ी में, हैंगर वैंगर सब रखा हुआ है। चलो भाई, फिर अब गाड़ी को धुलवाने चलते हैं। आ गए, समझ रहे हो? हाँ भाई, व्हाट हैपेंड? आप वीडियो डरा क्यों रहे हो? आप वीडियो नहीं बना रहे इससे? वीडियो वीडियो बना रहा हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाय बाय टाटा, कैमरामैन बनाते, टाटा बाय बाय। कहाँ आ रहे हो? बैठने की जगह नहीं है। मैं गाड़ी धुलवाने जा रहा हूँ, मैं गाड़ी धुलवाने जा रहा हूँ, नहलाने जा रहा हूँ ना, सर्दी का असर ताकि खत्म हो जाए, उसके ऊपर गर्म पानी से नहलाऊंगा। ये क्या है? ये वो बटन है, ये दबा दो ना, सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं। हाँ दिखाऊं, दबा के दिखाऊं? अरे मुझे जाने दो बेटा, देर हो रही है वैसे ही बहुत। नहीं, तो हो रही है, और क्या हो रही है? कैमरा में करते हैं आप? तो कैमरा ही तो है ये, और क्या है? और क्या है? सिल्वर कैमरा में करते हैं। नहीं, आज उससे नहीं कर रहा। अरे अभी देखिए, अभी इसको करूं। अरे नहीं, बस बस बहुत हो गया, जाओ। सो गाइस, सबसे पहले ये करना है मैंने कि सबसे पहले मैंने ऑयल डलवाने से पहले, गाड़ी वॉश करवाने से पहले, सबसे पहले मैंने काम क्या करना है कि मैं पेट्रोल ले लूँ, ताकि मुझे फिर नानी के घर भी जाना है ना, तो पेट्रोल लेके मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। सही है, तो फिर पेट्रोल लेते हैं पहले। पूरा 2 लीटर आएगा ना? ऑयल के तो गाइस, ये देखिए, ये ऑयल है, अभी मैं खुला हुआ डलवा रहा हूँ, क्या करें। कब से सोच रहा था मैं ऑयल वगैरह गाड़ी को वॉश करवाने का, ऑयल करवाने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, ठीक है, बजट भी नहीं बन रहा था, लेकिन आज बन गया, आज करवा दूँ। सही है। सो गाइस, फाइनली अब मेरी गाड़ी उठ जाएगी यहाँ से। इतने सालों बाद वॉश हो रही है तकरीबन, जब से मैंने गाड़ी ली है ना, ये एक ही दफ़ा धुली है, जब मैंने नई नई गाड़ी ली थी अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था और मैंने धुलवाई थी, लेकिन अब यह है कि अब ये तकरीबन 1 साल 8 महीने के बाद धुल रही है। के मड गार्ड वगैरह मैं नए लगवाऊंगा ताकि ये सही हो जाए। मैंने कहा था वॉश करवा लूँ ना पहले, फिर मड गार्ड वगैरह लगवाऊंगा। इंजन रूम में मैं पानी नहीं लगवा रहा, क्योंकि ये है कि बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी पुरानी है तो स्टार्ट होने में मसला होगी, तो भाई स्टार्ट होने में मसला होगी तो मेरी तो फिर लग जानी है। तो अब क्या करना है मैंने, कि मैंने बोला कि भाई साइड से आप धो दें, सही है, इंजन नहीं धोएगा।
भाई गाड़ी उड़ गई है। अब गाड़ी नीचे से साफ होगी भाई, नीचे से साफ होगी, इतनी इंतहा की गंदी हो रही है। फाइनली गाड़ी साफ हो चुकी है और ये है कि अच्छा है, एक और काम हो गया मेरी गाड़ी, दो काम हो गए, एक तो ऑयल डल गया और दूसरी चीज़ गाड़ी भी साफ हो गई, सर्विस हो गई, बिल्कुल गाड़ी साफ सुथरी हो गई बिल्कुल। अच्छी लगी, साफ सुथरी चमक रही है भाई। तो गाइस अभी देखो इन्होंने टायरों पे और ये ऊपर शाइनर मारा है और अच्छा चमक गई गाड़ी, पर गाड़ी धुलवाने के जो नुकसान है ना थोड़े थोड़े, मैं अभी आपको बताता हूँ कि गाड़ी अगर आपकी पुराने इसका पेंट कमज़ोर है, अगर आपने ऊपर सीट चढ़ाई हुई है तो वो भी अगर आपकी कमज़ोर है तो देखो क्या होता है। ये देखो ये प्रेशर से देखो यहाँ का पेंट निकल गया है गाड़ी का, सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऊपर का ये चीज़ भी निकल गई है, ये मुझे वापस लगानी पड़ेगी, उस तरफ का भी निकल गया है। सो गाइस फाइनली गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है ऑयल डलवाने के बाद, इंजन की आवाज़ और जो मैं रेस दे रहा हूँ उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है, सही है। गाड़ी बहुत स्मूथली चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। अब मैं हल्का सा एक्सलेटर पे पाँव तो रख रहा हूँ, गाड़ी निकल रही है तो अच्छा है। अच्छा मैंने ऑयल डलवा लिया और ये है कि गाड़ी की सर्विस भी हो गई, साफ़ सुथरी हो गई बिल्कुल गाड़ी बाहर से भी और अंदर से भी, अच्छा लगा, परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ेगा, सही है, और मुझे दिख भी रहा है। तो खैर अब यहाँ से जो है हम लोग जाएँगे मैकेनिक के पास, मडगार्ड लगवाऊँगा मैं, सही है। इससे पहले मैं जाऊंगा अपने घर, सारे डेकोरेशन वगैरह लूँगा, फिर जाऊंगा मैं मैकेनिक के पास, मडगार्ड वगैरह जो भी है उसका सही करवा लूँगा, सही है। उसके बाद फिर मैं वहाँ से चलाऊँगा खाला के घर, सही है। हेलो तो गाइस ले लिए, अब गाड़ी का जो भी सामान मैंने निकाला था गाड़ी में से वो गाड़ी के अंदर रख देते हैं। ये है ये है, क्या सामान था इसमें, शायद ड्रॉस का लाइसेंस वगैरह, शायद गाड़ी है और क्या क्या सभी है इसमें, चलो इसको लेकर ही चलते हैं पूरा, बहुत बड़ा काम हुआ है ये, बहुत बड़ा। सो गाइस ये देखो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, अब क्या है इसकी ड्रॉस में जो मेरा लाइसेंस वगैरह जो होता है वो सब मैं यहीं रखता हूँ, वो पीछे थैली में, पहले ड्रॉस निकालेंगे, इस ड्रॉस के अंदर सब सामान रखना है मैंने। सो गाइस जो भी मेरा इसमें सामान था वो सब मैंने इसमें रख दिया है, तो ये हो गई खा लिया, इसको हम घर में रख देंगे। सो गाइस ये देखें मैं नानी से मिलने आया था, नानी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अब माशाल्लाह बहुत बेहतर, अब घर जा रही है नानी घर जा रही है ना, अब बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तो बात कर रही है माशाल्लाह, बात सुनी आपने मेरी, बात कह रही हैं आप अपनी, सही है वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। गाइस बिल्ली छोड़ने के लिए मैंने डिग्गी में रखा था बिल्ली को, छोड़ने जा रहा था, वो गाड़ी में है ही नहीं और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से वो निकल सके, अल्लाह जाने क्या चीज़ थी, वो गायब हो गई। खैर इसकी कहानी मैं आपको बाद में सुनाता हूँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ नानी के कपड़े लेने। अब पप्पी माशाल्लाह सेहतमंद होके जा रही हैं घर अपने और उमेर की गाड़ी पे जा रही हैं,
ये उमेर के बहुत उमेर के लिए बहुत फख्र की बात है कि नानी उसकी गाड़ी में बैठ के सेहतयाब हो के और अपने घर जा रही हैं, मामा पीछे गाड़ी में आ रहे हैं अपनी हाई रूफ में। हम तो बहुत दिनों से वो थे कि फुप्पी को किसी तरह हम जो है गाड़ी में बिठाएं, और मगर अभी रात हो चुकी है, रात के 9:30 बज रहे हैं, तो अभी फुप्पी बहुत थकी हुई है, वरना इनको लंबी सैर कराते और इनको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते और वहाँ इनको बेहतरीन सा कुछ सूप पिलाते, आइसक्रीम खिला, आइसक्रीम तो खैर नहीं खिला सकते थे, इनको अभी भी खांसी है तो सूप पिलाते इनको, और क्या कहते हैं उनको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं, इनको थोड़ा सा कराची की शहर शहर की सैर कराते हैं। पिज़्ज़ा खिलाएंगे? हाँ पिज़्ज़ा खिलाएंगे भाई, पिज़्ज़ा की तो याद ही नहीं थी। पिज़्ज़ा खिलाएंगे, पिज़्ज़ा खिलाएंगे, इनको हमारे इलाके का पिज़्ज़ा बड़ा पसंद है। हाँ इंशाल्लाह इसी तरह हम इनको अपने घर भी लेके जाएंगे किसी दिन, और हम करेंगे वहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी नानी के साथ। गुड़िया खाला के पिछले साइड से हम लोग उतरेंगे, गुड़िया खाला के घर के, गुड़िया खाला के घर के पिछले साइड से उतरेंगे, गुड़िया खाला का पिछला साइड तो हम उनके घर के पिछले साइड पे उतरेंगे। अल्लाह ताला पप्पी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला, हैं इन जो दवाएं इनके लिए लिखी गई हैं वो उनसे इनको बहुत शिफा हासिल हो। गाइस अब नानी को मैंने ऊपर छोड़ दिया है, ये आराम कर रही हैं, मिलवा भी दूंगा मैं अभी, वापस जाऊंगा ऊपर। तो अभी सबसे पहले मैंने बिल्ली की जो मिस्ट्री है ना वो हल करनी है, सही है, क्योंकि बिल्ली आपको पता है वो मैंने डिग्गी में ही डाली थी और वो गायब है। अब मैं अच्छी तरीके से चेक कर लूँ, खाला से टॉर्च लेकर आया हूँ मैं कि बिल्ली अंदर ही है या फिर गायब हो गई। देखो जरा अच्छी तरीके से, देखो देखो देखिए कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, और मुझे बताओ कहाँ से निकल सकती है, इतने से सुराख से थोड़ी निकल सकती है। अगर पतली सी हुई तो नहीं, नहीं ब्लैक वाली, इतने से सुराख से कभी भी नहीं निकल सकती, कभी भी नहीं, ये तो पानी निकलता है इतने से सुराख से, नहीं निकल सकती। जरा इधर ये अजान जरा वहाँ टॉर्च दिखाओ, देखो यहाँ से भी नहीं निकल सकती, नहीं है, दिखाओ जरा मैं अंदर देखूं। आपकी बिल्ली गुम हो गई? वहाँ पे तो नहीं बैठी थी कहीं? नहीं है ना कहीं, नहीं नहीं यहाँ जा ही नहीं सकती है, देखो इधर आ, ये ना ये बंद है यहाँ से, ये टीन दिख रहा है, ये बंद है सब यहाँ से, ये सीट की तरफ कोई भी नहीं जा सकता। नहीं नहीं यहाँ चेक कर लिया हमने, देखा मैं बोल रहा हूँ ना गायब हुई है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना गायब हुई है। अभी हुआ था, चलो एक दफ़ा और देखो मैं तुम लोग को दिखाऊँ, ये पकड़ो अलग टाइप का सीन चल रहा है, देखो हटो एक मिनट, नहीं नहीं यहाँ नहीं जा सकती, इधर आओ, ये देखो ये बंद है यहाँ से, पूरा बंद है, ये पूरा बंद है यहाँ से, नहीं जा सकता यहाँ से कोई, सही है। अब बताओ गायब हुई ना, इसको गायब होना कहेंगे ना, कुछ और ही मसला है। हाँ हाँ ये कुछ और मसला है, वो कोई क्या ये कुछ और ही, छोड़ो छोड़ो टेक्निक वाला है ये, कोई डिटेक्टिव ही सुलझा सकता है। पूरा दिखाया है मैंने, पूरा दिखाया है कि कहीं से भी एक जगह ऐसी नहीं है कि वो बिल्ली भाग सके। आ जाओ जान, तो भाई ये कोई सीन हुआ है हमारे साथ, और वो बिल्ली मैं अपनी व्लॉग्स में दिखाता रहा हूँ, दिखाता रहता हूँ वो बिल्ली जो है, और देखो आज वो गायब हो गई, वो लंबी सी थी ना, हाँ ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट, अल्लाह बताओ कैसी गायब हुई। अब सब बोल रहे हैं घर पे मिलेगी तुम्हें। सो गाइस नानी के घर से मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन वो बात थोड़ी बाद में करेंगे, अभी मैं डिग्गी खोल के भाई को दिखा रहा हूँ कि भाई कहाँ जा सकती है बिल्ली, आखिर कहाँ जा सकती है, नहीं यहाँ से कहाँ जाएगी बिल्ली, इस बैग के अंदर तो नहीं है, बंद है, देखा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है भाई, कहाँ गई, बंद है ये हर जगह से, बंद है।
बंद है जगह से, ये वायरिंग कटी हुई है क्या? हाँ नहीं नहीं ये है, है? हाँ ये तो उसकी है। अब बताओ, ये तो मैं हल्के कर रहा हूँ, रात हो रही है, मैंने छोड़ दिया था, बंद हो गई थी उनने। फिर जब मैं वहाँ गया था ना सिग्नल पे, जब गाड़ी रुकी थी तो वहाँ पे आवाज़ आ रही थी ऐसे से, ऐसे ऐसे करके आवाज़ आ रही है, मतलब अंदर थी वो, अब पता नहीं कहाँ चली गई। सो गाइस, नानी के घर से मैं आ गया हूँ, और ये है कि नानी को खैर खैरियत से वो उनको ऊपर अपने घर उनको पहुँचा दिया हमने। और दूसरी चीज़ ये है कि अम्मी वहाँ रुक गई हैं, और नानी बड़ी कमज़ोर हो गई हैं, और मैंने नानी को इस वजह से नहीं दिखाया वहाँ पे जब मैं घर गया उनके, इस वजह से मैं नहीं दिखा सका क्योंकि वो आराम कर रही थी, सो मैंने डिस्टर्ब ना हो जाए मेरी वजह से। तो फिर मैं नीचे आ गया, और गाड़ी में बिल्ली का जो सीन था वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यार अचानक से मतलब कैसे गायब हो सकती है ये, मैं इस चीज़ पे मैं पूरा मुतमईन हूँ कि गाड़ी खुली हुई नहीं थी, डिग्गी मतलब खुली हुई नहीं थी। मैं यहाँ से उसको लेके निकला हूँ, डिस्को बेकरी के पास मेरी गाड़ी रुकी है, आवाज़ आई है जैसे उसने नाखून वाखून से, जैसे नहीं बिल्ली भागती है, आवाज़ आ रही थी जैसे कुछ है डिग्गी में। फिर मैं वहाँ से गया हॉस्पिटल, तो मैंने बोला यार नानी हॉस्पिटल में एडमिट है, चलो उनको आज तो वैसे भी डिस्चार्ज कर देंगे उनको, तो हम रुक जाते तो इधर बैठ के चलते हैं। तो मैंने बोला यार इतनी देर में खुदा खास से इसको कुछ हो ना जाए बिल्ली को, सोचा कि बिल्ली को उठा के मैं आगे अपनी सीट पर बिठा देता हूँ ताकि वो मतलब वो परेशान ना हो, और खिड़की थोड़ी थोड़ी खोल देता हूँ। लेकिन जब मैंने डिक्की खोली कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं वहाँ पे। अरे मैंने बोला ये क्या हुआ, मतलब कहीं तो कुछ तो नज़र आए? नहीं भाई कुछ भी नहीं, गायब बिल्कुल। हर जगह चेक किया, अभी मैंने मतलब 2-3 दफ़ा चेक कर चुका हूँ, कहाँ गई मतलब कहाँ गई, गायब हो गई भाई। तो खैर अब जो मंजूर था अल्लाह ताला को हो गया। बहुत अजीब सा लगा मुझे ये सब देख के, अम्मी को बताया, नानी को बताया, खाला को बताया, मैंने बोला यार ऐसा ऐसा सीन है, सब बोले नहीं तुमसे खुली रह गई होगी। वही एक सवाल सबका, किसी ने यकीन नहीं करना। सही बात है कि जब मतलब वो होते हैं ना जिस पे गुजर रही होती है वही जानता है उसने। यार मैंने तो असल में मुझे मुतमईन पता मैं क्यों अपनी उससे अपनी बात से कि भाई मैंने बिल्ली को डिक्की में डाला, बंद किया, वो अंदर थी, सिग्नल पे गया तो वो अंदर थी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल जब मैं पहुंचा तो मैंने जब डिक्की खोली तो उस वक्त वो नहीं थी। मतलब अगर मैंने, चलो मैंने डिक्की खोली तो मेरे सामने निकली ना, मेरे सामने निकल के भागी हो तो मैं बोलूँ हाँ भाग गई, निकली नहीं। खैर अल्लाह जाने क्या हुआ। खैर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सही अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।